गांव उमरा से आ रही है खबर। बिजली विभाग के जेई व अन्य कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों के द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। आखिर कारण क्या है, देखिए यह पूरी वीडियो। क्या मामला था सर? हम पूरी टीम के साथ चोरी पकड़ने के लिए गांव उमरा में गए थे। अच्छा। हाँ, मेरे साथ राजेंद्र रायमैन था, राजेश एलम था, मंगत राम एलम था जी। अच्छा। हम गली गली के अंदर गए, एक मकान के अंदर हमने कुंडी खड़काई, उसके अंदर एक बैंकी निकल करके आई। मैं गेट पे ही खड़ा था, मंगत और मेरे पीछे खड़े थे। बहन जी आपका मीटर है? मेरा मीटर नहीं, आप अपनी सिक्योरिटी भर लो और मीटर लगवा लो। इतना कह के माँ ये डोरी किसके लगी हुई? बोले मेरे ससुर के लगी हुई पीछे। तो हम वहाँ से निकल के घर से गेट से निकल के कहने हम पीछे वाले मकान में चले गए। वहाँ एक लड़का मिले, अम्मा वही आपका मीटर है? बोले मीटर नहीं है अंकल। माँ फिर डोरी क्यों लगा रखी है? बोले आप मेरे पापा से बात कर दो। माँ मैंने बात नहीं करी, मैंने उनके फोटो ले दिए जी। फिर मैं सामने वाले मकान में चला गया। माँ ये आपका मीटर नहीं, बोले हमारा गली में लगा हुआ है। गली के अंदर से ही हमें जहाँ पोल पर मीटर लगा हुआ था हम वहीं आ गए। वहीं आने के बाद उन्होंने बिल दिखाया तो इतनी देर में जी तो काफ़ी औरतें इकट्ठी होगी। बोला जी आप गाँव उम्र में जाटों के खेतों की नहीं पकड़ते, घरों की नहीं पकड़ते, आपको यही मोहल्ला दिखाई देता है कि बार बार यहीं आ जाते हो। तो झगड़ा करने लगी थी। इतनी देर में एक नदी एक लड़का आया, समुंदर सनोसरी वीर सिंह, जिसका मीटर बाहर लगा हुआ था। उसने मेरे यहाँ मुक्का मारा, दो और समुंद्र की उन्होंने यहाँ मारा। फिर मैं नीचे गिर गया लट्ठियों से डंडों से, मुझे नहीं पता क्या मारा मैं भी। वहाँ तो क्या नाम आपका? मेरा रोहतास कुमार जी है जी, सब ऑफिस उमरा में कार्यरत हूँ। आज उमरा सब ऑफिस में रोहतास कुमार जई अपने स्टाफ राजेंद्र लाइनमैन राजेश एलम और मंगत राम एलम के साथ बिजली चोरी पकड़ने के लिए गए थे। वहाँ जो इन्होंने एक दो घर चेक किया, उसके बाद ग्रामीण वहाँ इकट्ठा हो गए और उन्होंने हमारे जई साहब के साथ मारपीट की, हाथापी की और दोबारा से गांव में घुसने पर जान से मारने की धमकी दी और सरकारी कार्य में बाधा डाली। और वहाँ पर कुछ 20-30 महिलाएं जो किसी सेंटर में काम कर रही थी वो भी वहाँ पे आ गई और जय साहब के साथ काफ़ी कुछ अभद्र गाड़ी गलौज और व्यवहार किया। हम ये कहना चाहते हैं कि कोई अपनी इच्छा से बिजली चोरी नहीं पकड़ने जाता। बिजली मंत्री और हरियाणा सरकार ने बिजली कर्मचारियों के जय साहिबान और इंचार्ज के ऊपर टारगेट फिक्स किए हुए हैं, उसी के तहत जाके बिजली चोरी पकड़ते हैं। और रोजाना हम पुलिस की डिमांड करें तो हमें पुलिस भी नहीं मिल पाती है। इसलिए हम मांग करते हैं कि प्रशासन से पहले पुलिस उपलब्ध करवाए और दूसरा उसके बाद बिजली चोरी के लिए भेजे। इसके अलावा उमरा गांव का, इसके अलावा सरकार ने भी बिजली बिल माफी योजना चलाई हुई है और उस माफी के तहत लोग बिल भरे, लेकिन हम लोग बिल भरना नहीं चाहते और चोरी पकड़ने जाओ तो हमारे स्टाफ के साथ हाथापाई करते हैं और मारपिटाई करते हैं। तो ये बड़ी निंदनीय बात है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमारे जय साहब को काफ़ी चोटें मारी गई हैं, हमने यहाँ स्थानीय हॉस्पिटल में लाके हमने एडमिट करवाया है और अभी उनका इलाज चल रहा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं तुरंत जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। और जब हम थाना पहुंचे तो हमें वहाँ उस गांव के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे मिले जो कि हमारे कर्मचारियों पर ही प्रत्यारोप लगा रहे थे, जो कि गलत है तरीके से अपना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाले चितार्थ कर रहे थे। कौन से गांव का मामला है उमरा गांव का मामला है और उमरा गांव में बिजली चोरी पकड़ने गए थे और जेई से खफा इसलिए है कि जेई ने लगातार जो महकमे ने टारगेट दिए हैं उसके तहत वहाँ बिजली की चोरियाँ पकड़ी हैं और वही लोग आज इकट्ठा होकर जय साहब के साथ हमला किया और उन्होंने मारपीट की। सुरेंद्र यादव ये हमारे है ना, वहाँ मैंने पहले भी बोला है टारगेट फिक्स कर रखा है कि भाई एक जय को 5 लाख की चोरी पकड़नी है तो वो जिस टाइम भी जय को टाइम लगता है उस टाइम चोरी पकड़ते हैं और बिजली मंत्री के आदेश। ये एक रोहतास जई है जो बिजली बोर्ड में है, इन्होंने एक कंप्लेंट कराई है। ये बिजली उमरा गांव में बिजली चेक करने के लिए गए थे तो इसमें कुछ ग्रामीणों ने इनका विरोध किया है, जिसके में संबंध में दरखास्त प्राप्त हुई है। हम इनके बयान भी उन लिए हैं, इस पर हम जैसी कार्रवाई होगी जांच करके रजिस्टर करेंगे जो भी होगा। अब क्या कार्रवाई की गई है?
अभी इनके हमने बयान अंकित किए हैं, सिविल हॉस्पिटल में आए हैं और अभी इनका MLR वगैरह ली है, उसके बाद हम जो जैसी कार्रवाई होगी वो हमने लाई है।